इस वक्त हम आपको थन्ना मंडी के मेन चौक से एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। नाज़रीन, ज़िला राजौरी पुंछ को वादी कश्मीर के साथ मिलाने वाली तारीखी मुगल शाहरा जो साल में 7 महीने जो है वो बंद रहती है और अप्रैल के महीने में इसको ट्रैफिक की अंदरफ के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन आज 13 अप्रैल होने के बावजूद 13 तारीख होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी इकदाम जो है इसको खोलने के जारी जो है वो नहीं हुए हैं और ना ही इकदाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। और हम ये भी आपको कहना चाहेंगे कि ज़िला राजौरी पुंछ को कश्मीर के साथ मिलाने वाली एक मुतबादल शाहरा है जिसको सारा साल खुला रखने के लिए सरकार की तरफ से एक टनल बनाने का भी जो है वादा किया गया है, लेकिन उसको भी अब इस वक्त तक जो है वो पूरा नहीं किया गया है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस वक्त राजौरी पुंछ के लोग जो है वो सोरा में अपना इलाज मलाजा मर्जा कराने के लिए भी जाते हैं और इसके साथ साथ बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो बीएड का एग्ज़ाम भी जो है वादी कश्मीर के दिगर ज़िला में होने वाला है, जिसके लिए बच्चे जो हैं मजबूर हैं और अगर ये पर वक्त जो सड़क जो है वो नहीं खोली जाती है तो इन बच्चों को 500 से 700 किलोमीटर अजाफी सफ़र तय करके बरास्ता बना जो कश्मीर जाना पड़ता है और इन लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना है और अजाफी किराया भी जो है वो अदा करना पड़ता है। तो इस वक्त हमारे साथ काफ़ी सारे मौजूदीन और हमारे साथ यहाँ पर लोग भी और ट्रैफिक के और ड्राइवर हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं जो ये ज़िला इंतजामिया राजौरी, ज़िला इंतजामिया पुंछ और इसके साथ साथ एलजी इंतजामिया से भी गुजारिश करते हैं कि इसको फौरी तौर पर खोला जाए ताकि इस सड़क पर ट्रैफिक की अंदर जो है वो बहाल हो सके। तो आइए, हम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट गौर अहमद भट्टी और फारूक चांद साहब, उनका क्या कहना है हम उनसे उनकी ज़बान से ये भी सुनते हैं कि वो क्या मुतालबा कर रहे हैं। एक रोड ऐसी रोड है जो खिताए पीर पजाल को खिताए श्रीनगर से जोड़ती है, आप देखें इसके बनिस्बत दूसरी श्रीनगर ले रोड जो है वो इससे कितनी टफ ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा स्नो गिरती है वो क्लियरेंस करके चला दी गई है, लेकिन खिता पीर पंजाल के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि ये रोड आज 15 दिन से जो है बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर शोपियान और पुंछ जो है वो यहाँ के गवर्नर बन के बैठे हैं, जिनको जिनके आर्डर के लिए मेरी आज भी सुबह बात हुई है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, वो कह रहे हैं कि हमें आर्डर आना बाकी है, रोड क्लियर है, तो ये क्यों नहीं चलाते हैं, क्या हमारे साथ इतनी बड़ी क्या नाइंसाफी है। 19 या 20 को हमारे बच्चों का पेपर है, वो जाएंगे, हमारे बहुत सारे एम्प्लाई जाते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे कैंसर पेशेंट हैं या और बीमार हैं जो श्रीनगर हॉस्पिटल में अपना जेर इलाज है, उनके साथ लोग जाते हैं, ये ड्राइवर पेशा लोग जो हैं ये गाड़ियाँ लेके पूरा 6 महीने इसका इंतजार करते रहते हैं कि 6 महीना ये रोड बंद रहती है और 6 महीना चलती है, ये कहाँ का सोतीला सलूक हमारे साथ किया जा रहा है खिता पीर पंजाल के साथ। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ, या तो आपको पता है और आप जानबूझ के ये करवा रहे हैं, या आपको पता नहीं है कि आपके नीचे एक तबका ऐसा है कि जो इस खिता पीर पंजाल के साथ नाइंसाफी कर रहा है और हर बार हमें जो है वो टारगेट किया जाता है, इवन हमें अगर रोड खोली भी जाती है फिर भी उसके बाद हमें 5-5 घंटे वहाँ ज़ाया किए जाते हैं, जो पोस्ट लगा के ज़ाया किए जाते हैं, वहाँ आर्मी जो है वो 5-5 घंटे एक एक आदमी को टारगेट करती है वहाँ पर, ये हमारे साथ ये सोतीला सलूक क्यों होता है, या तो आप जानबूझ के करते हैं या आपकी नीयत यहाँ से साफ होती है कि आप क्या चाहते हैं राजौरी पुंछ वाले लोगों के साथ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जल्द से जल्द हुक्म करें कि डिप्टी कमिश्नर शोपियान और पुंछ दोनों आर्डर करके कल ही इस रोड को खोलें ताकि हमारे लोग जो है वो जल्द से जल्द श्रीनगर पहुँच सके, हमारा आना जाना आपस का रब्ता हो। इस साल कुदरत की तरफ से बर्फबारी जो है वो बाकी सालों की नस्बत कम हुई है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर कर दिया है। अब क्लियरेंस के बाद जिसको भी पूछा जाता है रोड की क्या सूरत हाल है, वो कहता है कि वो शीशे की तरह चमक रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये सारा सिस्टम शोपियां डीसी साहब और पुंछ के डीसी साहब के हवाले क्यों किया गया है, क्योंकि उनके नोट्स में भी तो वो तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको पता है लोगों की क्या सूरत हाल है। हमें आज रमज़ान में कश्मीर जाने का न तो शौक है, न हम टूरिस्ट हैं, न हम शहर के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि रमज़ान है। वही आदमी वहाँ जाएगा जो बहुत मजबूर होगा, जो बीमार होगा, जिसको एग्ज़ाम देना होगा या जो ड्यूटी पर जाएगा। यहाँ से हमें रात को जम्मू जाना पड़ता है और जम्मू से फिर सुबह कश्मीर के लिए निकलना पड़ता है, तो 2-3 दिन हमारे उस रोड ब्लॉक होने की वजह से गायब हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है अगर रोड की क्लियरेंस अभी तक नहीं हुई